देखो बॉलीवुड फिल्म्स की और बॉक्स ऑफिस क्लैश की बहुत ही ज्यादा पुरानी हिस्ट्री रही है। ऐसा कई बार देखा गया है कि दो बड़ी फिल्में एक ही डेट पे रिलीज हुई हैं, और आप जानते ही हैं कि जब दो बड़ी फिल्में एक ही डेट पे रिलीज होंगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कलेक्शन पे बहुत ही बड़ा वाला डेंट मारती हैं। तो ऐसे में अगर मैं इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के मोस्ट आइकॉनिक क्लैश की बात करूं तो वो हुआ था 2001 में, जब फिल्म गदर और फिल्म लगान एक ही दिन रिलीज हुई थी। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों फिल्में बहुत बड़ी वाली हिट रही थी, कहीं ना कहीं लगान को क्रिटिकल अक्लेम बहुत ज्यादा मिला था, इसीलिए वो फिल्म ऑस्कर तक गई थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर मैं सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो गदर फिल्म ने लगान फिल्म को बहुत बुरी तरह पिछाड़ा था। तो ऐसे में साल इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे गदर 2 फिल्म रिलीज होने वाली है, और आपने तो सुना ही होगा हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। तो बेसिकली उसका डायरेक्ट क्लैश जो होने वाला है वो रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल से होने वाला है, और कह सकते हैं बॉक्स ऑफिस में बहुत ही बड़ा वाला क्लैश, बहुत ही बड़ा वाला धमाका होगा। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 पॉइंट बताऊंगा जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म दूसरी फिल्म पे भारी पड़ सकती है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पॉइंट नंबर 1, फ्रेंचाइज वैल्यू। अब ये तो बात हम सभी जानते हैं कि एनिमल फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंड अलोन फिल्म है, यानी वो किसी भी फिल्म का दूसरा पार्ट नहीं है। बट गदर फिल्म की अगर हम बात करें तो उसकी फ्रेंचाइज वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गदर जो थी वो बहुत बड़ी वाली हिट थी, बेसिकली वो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, और इस वजह से गदर 2 की हाइप जो है वो हद से ज्यादा है। कहीं ना कहीं उसका रीजन ये भी है कि नॉर्मली ऑडियंस को ये शिकायत रहती है कि जब भी किसी फिल्म का सीक्वल बनता है, पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी बनता है, तो ओरिजिनल स्टारकास्ट को नहीं लिया जाता है। उसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म की कास्ट एंड क्रू, बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। बट अगर मैं गदर 2 की बात करूं तो इस फिल्म में बिल्कुल ओरिजिनल स्टारकास्ट को रिटेन किया गया है। फिल्म में हीरो सनी देओल दिखेंगे, उसके अलावा हीरोइन अमीषा पटेल है, उसके अलावा इस फिल्म में उत्कर्ष शर्मा दिखने वाले हैं, जो कि अगर आपको याद हो गदर में उन्होंने सनी पाजी के बेटे का रोल प्ले किया था। और उत्कर्ष शर्मा और कोई नहीं है बल्कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा के बेटे हैं। बाकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस फिल्म को भी अनिल शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पुराने वाली गदर को डायरेक्ट किया था। और ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि वो फिल्म कितनी बड़ी वाली हिट थी। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं एक फ्रेंचाइज वाले एस्पेक्ट में डेफिनेटली गदर फिल्म जो है वो एनिमल फिल्म पे भारी पड़ रही है। पॉइंट नंबर 2, स्टारकास्ट। अब जहां मैं एनिमल फिल्म की स्टारकास्ट की बात करूं तो उसमें रणबीर कपूर है, उसके अलावा वो फर्स्ट टाइम अनिल कपूर के साथ दिखने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं हीरोइंस की बात करूं तो उसमें परिंदी चोपड़ा दिखने वाली है, रश्मिका मंदाना दिखने वाली है। तो मैं कह सकता हूं एनिमल फिल्म की जो स्टारकास्ट है वो हद से ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। बट वहीं अगर मैं गदर फिल्म की स्टारकास्ट की बात करूं, और मैंने एक तरफ तारीफ करी कि इस फिल्म ने कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनल स्टारकास्ट को रिटेन तो किया है, बट फिर भी ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि गदर फिल्म जब 2001 में रिलीज हुई थी तब ये स्टारकास्ट उस जमाने के हिसाब से काफी यंग थी। अगर मैं सनी देओल की बात करूं तो वो उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे, उसके अलावा अमीषा पटेल भी उस वक्त काफी नई आई हुई थी। इनफैक्ट गदर फिल्म के एक साल पहले ही उनकी फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, और हम सभी जानते हैं वो फिल्म कितनी ज्यादा बड़ी वाली ब्लॉकबस्टर थी। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल के लिए एक ड्रीम डेब्यू था, यानी ऐसा डेब्यू दोबारा नहीं देखा गया। तो ऐसे में ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि गदर की स्टारकास्ट जो है वो उस टाइम के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छी थी, काफी प्रॉमिसिंग थी। बट आज के जमाने के हिसाब से स्टारकास्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी आउटडेटेड है। इनफैक्ट अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो गदर 2 का जो भी हाइप है वो उसकी फ्रेंचाइज वैल्यू की वजह से है। अगर सनी देओल और अमीषा पटेल ही किसी और फिल्म में आते जो कि गदर का सीक्वल नहीं होती तो उस फिल्म की हाइप बिल्कुल भी नहीं होती। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, कुछ साल पहले उनकी एक फिल्म आई थी भैया जी सुपरहिट, वो फिल्म कब आई, कब रिलीज हुई और कब डिजास्टर होकर निकल गई किसी को पता भी नहीं चला। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एनिमल फिल्म की जो स्टारकास्ट है वो डेफिनेटली गदर 2 की स्टारकास्ट के ऊपर भारी पड़ रही है। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्शन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एनिमल फिल्म को संदीप रेड्डी वांगर डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उनको नहीं जानते तो बता दूं उन्होंने इससे पहले कबीर सिंह और साउथ में अर्जुन रेड्डी डायरेक्ट करी है, और आप जानते हैं वो दोनों फिल्में बहुत बड़ी वाली ब्लॉकबस्टर थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एनिमल फिल्म का हाइप जो है वो 10 गुना 20 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो रणबीर कपूर को बिल्कुल नेवर बिफोर सीन वाले अवतार में दिखाएंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग से कुछ सीन्स लीक हुए थे, और जिसने भी उस सीन को देखा है वो यही कह रहा है कि रणबीर कपूर बिल्कुल बैडास लग रहे हैं। क्योंकि एक चीज तो माननी पड़ेगी कि रणबीर कपूर को आज से पहले ऐसे रोल में कभी नहीं देखा गया है, वो थोड़े डॉन, थोड़े स्मगलर टाइप के लग रहे हैं, और डेफिनेटली उनके लुक ने, फिल्म के जॉनर ने कहीं ना कहीं फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा बिल्ड कर दी है। वहीं अगर मैं गदर फिल्म की बात करूं तो उसके डायरेक्टर अनिल शर्मा है, जिन्होंने पुरानी गदर डायरेक्ट करी थी और वो फिल्म तो बहुत बड़ी हिट थी। बट उसके बाद अनिल शर्मा ने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट करी है वो उतनी ज्यादा नहीं चली। उसके बाद अनिल शर्मा की एक फिल्म आई थी सलमान खान के साथ वीर, और हम सभी जानते हैं वो फिल्म बिलो एवरेज गई थी बॉक्स ऑफिस पे। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को लेकर एक फिल्म बनाई थी जीनियस, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे। वो फिल्म कब रिलीज हुई, कब डिजास्टर होकर निकल गई किसी को पता भी नहीं चला। इनफैक्ट आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने उस फिल्म का नाम तक नहीं सुना होगा। तो ऐसे में ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि अनिल शर्मा जो है वो अपना गदर का मैजिक रिक्रिएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है कि अक्सर सीक्वल इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि कैरेक्टर्स की स्टोरी आगे बढ़ती है। ज्यादातर जो बॉलीवुड में सीक्वल्स बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि पहली फिल्म हिट हुई होती है, और हिट फिल्म की ब्रांड वैल्यू को इनकैश करने के लिए सीक्वल मार्केट में लाया जाता है। हमने पहले भी ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी हैं।
जहाँ बंटी और बबली बहुत बड़ी हिट थी, वहीं बंटी और बबली टू बहुत बड़ी डिजास्टर थी। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा था ये बंटी और बबली का एक स्पूफ लग रही है। उसके अलावा दबंग फ्रेंचाइज के साथ भी आप जानते हैं क्या हुआ, दबंग 3 जो थी वो ऑडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं की। और यही चीज कहीं ना कहीं रेस फ्रेंचाइज के साथ भी हुई थी जब सलमान खान सारा रेस 3 रिलीज हुई। तो ओवरऑल अगर मैं असेसमेंट करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनिमल फिल्म की जो हाइप है वो आज की डेट में फिलहाल गदर फिल्म से बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन दोनों ही फिल्म के टीजर या फिर ट्रेलर नहीं रिलीज हुए हैं, और आप जानते हैं ट्रेलर जो होता है वो कहीं ना कहीं फिल्म का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो आई एम श्योर जब वो रिलीज होगा तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों फिल्म्स की क्लियर पिक्चर देगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहीं तक थी तो आपको बता दूं कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री जिनकी लास्ट ईयर फिल्म कश्मीर फाइल्स आई थी वो बहुत बड़ी वाली हिट रही थी, इनफैक्ट उसने 250 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था, वो भी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे अपनी फिल्म ला रहे हैं और उसका नाम होने वाला है द वैक्सीन वॉर। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं दो फिल्मों का नहीं बल्कि 3 फिल्मों का क्लैश होगा और तीनों की तीनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होंगी। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस की रेस जीतती है। एक चीज तो हमेशा से क्लियर रही है कि जो सबसे बड़ा क्रिटिक होता है वो कहीं ना कहीं पब्लिक होती है, तो जिस फिल्म पे पब्लिक का दिल आ गया डेफिनेटली वो फिल्म सबसे ज्यादा चलेगी। उसके अलावा आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तीनों फिल्में जो इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे रिलीज हो रही है उसमें आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और कौन आपको लगता है बॉक्स ऑफिस का जो क्लैश है वो जीत सकता है, कौन सी फिल्म है जो बाकी दोनों फिल्म को पिछाड़ देगी, सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टल रंजन को दीजिए इजाजत।